दिल्ली दंगे पर ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ के बाद अब उसके सर्वोच्च धार्मिक नेता आयातुल्ला खामेनेई ने भी बयान जारी किया है। खामेनेई ने कहा है कि भारत में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है और केंद्र सरकार को कट्टरवादी ताकतों को रोकना चाहिए। ईरान चौथा इस्लामिक देश है जिसने दिल्ली दंगों को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। भारत ईरान के बीच दोस्ताना रिश्ते बेहद पुराने हैं, लेकिन अब इसमें दरार पड़ती दिख रही है। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ के बाद अब उसके सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने भी दिल्ली दंगे को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। खामेनेई ने ट्वीट किया, भारत में मुसलमानों के कत्लेआम से दुनिया भर के मुसलमान गमजदा हैं। भारत सरकार को कट्टर हिंदुओं और उनके दलों को रोकना चाहिए और भारत को इस्लामी दुनिया की ओर से अलग थलग किए जाने से बचने के लिए मुसलमानों का कत्लेआम रोकना चाहिए। खामेनेई ने इस ट्वीट के साथ हैशटैग इंडियन मुस्लिम इन डेंजर इस्तेमाल किया है, यानी भारत के मुसलमान खतरे में हैं। खामेनेई का ये ट्वीट इस मायने में अहम है कि भारत सरकार की आपत्ति के बावजूद उसके सर्वोच्च नेता ने ये बयान जारी किया है। इससे पहले 2 मार्च को ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने दिल्ली दंगों को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने लिखा था, भारतीय मुसलमानों के खिलाफ प्रायोजित हिंसा की ईरान निंदा करता है। सदियों से ईरान भारत का दोस्त रहा है। हमारी गुजारिश है कि भारत सरकार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और इस पागलपन को बढ़ने से रोके। आगे बढ़ने का सही रास्ता शांतिपूर्ण बातचीत और कानून का शासन ही है। इस बयान पर केंद्र सरकार ने दिल्ली में ईरानी राजदूत अली चेगेनी को तलब किया था। तब ईरानी विदेश मंत्री जावेद जरीफ के बयान पर एतराज जताते हुए अली चेगेनी से कहा गया था कि दिल्ली में जो हुआ वो भारत का आंतरिक मामला है। हालांकि इस आपत्ति की परवाह ना करते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने दिल्ली दंगे पर अपना विरोध जताया है। ईरान चौथा इस्लामिक देश है जिसने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन और दिल्ली में हुए दंगे को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। इससे पहले तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान भी इसकी निंदा कर चुके हैं। ईरान की तरह इंडोनेशिया भारत के रिश्ते भी हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन अब इसमें करवाहट आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।